हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। इस सेशन में चर्चा का विषय होने वाला है राजस्थान नई शिक्षक भर्ती 2023 फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। इसी के साथ क्या अब यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड व सेकेंड ग्रेड में भी एक ही पेपर देखने को मिलने वाला है, क्या है साथियों इसके पीछे बड़ी सच्चाई, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको इसी सेशन में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले सभी भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आपको साथियों यहां पर उपलब्ध होता रहे। यहां पर अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से, आपको अपने टेलीग्राम में जाना है और वहां जाकर ऑल टाइम टॉपर्स सर्च करना है और इस पर लगभग साथियों यहां पर आपको 13.5 के सब्सक्राइबर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सभी साथी इस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें क्योंकि आपको इस टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट जो भी आपकी होती है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। तो अभी तक जिसने भी टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को ज्वाइन करें जिससे आपको सभी प्रकार के अपडेट यहां पर उपलब्ध होती रहे। अब बात करते हैं साथियों सबसे पहले तो यहां पर फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड के बारे में कि ये वैकेंसी आपकी कब तक आने की संभावना है, कब तक आने की उम्मीद है और पेपर भी इसका होगा तो कब तक यहां पर होने की संभावना है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इस भर्ती के बारे में, तो पूरे पूरे चांसेस आते हो 2024 में आपको फर्स्ट ग्रेड व सेकेंड ग्रेड की एक नई भर्ती जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। अब ये आपको वैसे तो पता है साथियों आचार संहिता के बाद ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी, यानी कि लगभग जून या जुलाई में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड व सेकेंड ग्रेड का। अब बात कर लेते हैं हम यहां पर कि कितने कितने पद साथियों फिलहाल यहां पर इसमें रिक्त बताए जा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्षेत्र संवर्ग पदों में कुल 1,43,166 पद रिक्त यहां पर बताए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग 1,00,000 से ज्यादा पद खाली, बाट जो हो रहे बेरोजगार अभी भी, यानी कि शिक्षा विभाग में साथियों यहां पर 1,50,000 के समथिंग जो पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं, है ना। और अब बहुत ऐसे में बहुत बड़ी उम्मीद है कि जल्दी आपको यहां पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की आपको देखने को मिलने वाली है ना। हो सकता है रेट आपको 2024 में ना देखने को मिले लेकिन साथियों पूरी उम्मीद है मुझे कि फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की आपको जो वैकेंसी है 2024 में आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। और यहां पर आप इसमें देख भी सकते हैं, आपको यहां पर नजर भी आ रहा होगा इसमें जो यहां पर पद रिक्त बताए जा रहे हैं आपके, ये आप देख सकते हैं यहां पर इसमें जो पद रिक्त बताए जा रहे हैं साथियों यहां पर आप देख भी सकते हैं इसमें रिक्त पदों को लेकर, ये आपके पदनाम है, स्वीकृत पद है, कार्यरत पद है और रिक्त पद हैं। यानी कि यहां पर जो स्कूल व्याख्याता के जो पद इसमें है टोटल आपके 55,081 पद हैं, जबकि कार्यरत पद वर्तमान में 33,960 हैं, यानी कि लगभग 21,121 पद अभी भी साथियों आपके रिक्त यहां पर चल रहे हैं। तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आपकी जो वैकेंसी आएगी लगभग 10,000 प्लस पदों पर देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ यहां पर यदि बात करते हैं साथियों वरिष्ठ अध्यापक के बारे में सेकंड ग्रेड के बारे में, तो टोटल पद आपके 85,468 हैं जबकि कार्यरत यहां पर आपके 52,364 हैं। तो ऐसे में 33,104 पद अभी भी वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। तो यहां भी साथियों बहुत बड़ी उम्मीद है और लगभग मान के चल सकते हैं यहां भी 10,000 प्लस पद यहां पर भी हमें देखने को मिल सकते हैं इस वैकेंसी के, ठीक है। बाकी आपके जो थर्ड ग्रेड के हैं वो यहां पर 29,272 पद है ना, ठीक है ना, ओके। तो ये आपके साथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पद अभी भी फिलहाल आपके रिक्त चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि लगभग आपका जुलाई में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और पेपर की यदि बात करते हैं साथियों तो पेपर जो आपका होगा 2024 के लास्ट तक या 2025 के स्टार्टिंग में आपका इसका पेपर हो जाएगा। अब एक चीज और आपने यहां पर साथियों देखी होगी इसको लेकर, यहां पर पेपर को लेकर है ना, कि क्या अब इसमें केवल एक ही पेपर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा था साथियों अभी कुछ दिन पहले, देखो पहले स्टार्टिंग में एक बार यहां पर जो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक प्रकार से अपडेट दी गई थी वो दी गई थी कि अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी आपका
रीट पात्रता की तरह एक पात्रता एग्जाम होगा। लेकिन अभी साथियों एक दो दिन पहले ही यहां पर जो शिक्षा मंत्री माननीय जी मदन दिलावर जी उनके द्वारा एक सम्मेलन में एक बात कही गई थी और उन्होंने कहा था कि अब सभी शिक्षक भर्तियों के लिए केवल और केवल एक पेपर होगा और एक पेपर होने से साथियों सबसे बड़ा फायदा तो एक ये होगा कि इससे थोड़ा एक तो समय की बचत होगी है ना, और जो लगभग जैसे कि जिन अभ्यर्थियों का इंतजार ज्यादा बढ़ता जाता है भर्ती को लेकर वो इंतजार भी आपका एक कम देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में अब पूरी उम्मीद है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में साथियों आपको आपका कंबाइंड एक ही पेपर देखने को मिले। जैसे पहले तो आपका क्या होता था कि आपका फर्स्ट पेपर एक अलग लगता था, फिर आपके सब्जेक्ट का सेकंड पेपर अलग लगता था, लेकिन अब पूरी उम्मीद है साथियों जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया जा रहा है और उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत भी कर दिया है, बस उस पर यहां पर बैठक के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। तो जैसे ही साथियों प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो हो सकता है आपका एक पेपर इसमें आपको देखने को मिले, और जैसे जो भी अपडेट आपकी होगी वो आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको बताया था मिल देखने को मिल जाएगी। तो अभी तक जिस भी साथी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आशा करता हूं साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।